नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 13.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज इसने मार्केट में 4.4% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है 65,332 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 50.40% है, बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में है -18.70, डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50 डीएमए के नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है जो कि एक अच्छी बात है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्वाइट सेम सी हैं। थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं बट क्वाइट सेम सी हैं एंड वैसे भी आपको पता है स्ट्रगल कर रही है कंपनी। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके वापस आया है एंड अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। सो बेसिकली अगर देखा जाए, वॉल्यूम को देखा जाए तो कल वॉल्यूम आया था 469 मिलियन का एंड आज वॉल्यूम आया है 372 मिलियन का। वॉल्यूम ज़रूर कम हुआ है बट रेड कैंडल पे कम हुआ है। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी स्ट्रांग है, इसकी 14 वाली रेजिस्टेंस वो आप देख सकते हैं, पीछे से ही चलता आ रहा है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनी थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी है, यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट भी लिया गया, रेजिस्टेंस भी बनी है एंड अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी है। ये वाली रेजिस्टेंस बनी थी 1350 की, अब 14 वाली रेजिस्टेंस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली बिहेव कर रही है। तो अभी के लिए देखा जाए तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का फिर भी यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है बट शॉर्ट टर्म की थोड़ी सी मैं डिलेमा में हूँ। अगर यहाँ से कल की अगर कन्फर्मेशन कैंडल आती है हमारी इस रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस है 14.80, ये वाली अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के हम बड़े आराम से बना सकते हैं पोजीशन। तब तक जब तक ये नहीं करता तब तक थोड़ा सा दुविधा में रहेगी हमारी शॉर्ट टर्म की एंड वैसे भी अप्रैल एंड मई में काफ़ी सारे इमोशंस आने वाले हैं मार्केट में इलेक्शंस की वजह से, तो भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी उसकी। एक बार बीएससी पे नज़र डाल लेते हैं तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्राइस बैंड है इसका 10% का एंड एक न्यूज़ आई है आज, उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली जो इनका फंड रेज का आया था ना कि 20,000 करोड़ ये फंड रेज करने वाले हैं, तो उसी का है कि ये न्यू सिक्योरिटीज़ इशू करने वाले हैं 20,000 करोड़ की, तो ये इसी के बारे में है। आज इनकी मीटिंग हुई है एंड इन्होंने बताया है कि द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ बिजनेस एज सेट आउट इन द नोटिस डेटेड 8 मार्च 2024। तो हम याद है कि वो आया था न्यूज़, उसके आसपास ही आया था कि हाँ फंड रेज करने वाले हैं 20,000 करोड़ के आसपास का, तो उसके बारे में है। क्योंकि न्यू सिक्योरिटीज़ ओपन होने वाली हैं तो मुझे लगता नहीं इसके प्राइस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, बट एक चीज़ ज़रूर होगी कि न्यू सिक्योरिटीज़ अगर आ जाएंगी तो मार्केट में डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क दिखे। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं यहाँ पर एंट्री नहीं बनाऊँगी शॉर्ट टर्म की, ठीक है। एंड वैसे भी निफ्टी आज थोड़ा डाउन गई है, सेंसेक्स भी डाउन गया है, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस पे स्ट्रगल कर रही है, तो थोड़ा सा उसका फर्क भी पड़ता है। सो अभी के लिए शॉर्ट टर्म की बिल्कुल एंट्री नहीं, लॉन्ग टर्म की एंट्री ज़रूर बनाई जा सकती है, क्योंकि मुझे लगता है अगर स्टॉक नीचे जाता है तो 12.75 के आसपास से रिवर्सल लेगा, नहीं तो ये स्टॉक हो सकता है कि अगर ज़्यादा नीचे गया तो 11.85, बट मुझे लगता नहीं कि 11 के आसपास जाएगा। यहाँ से हो सकता है अगर नीचे गया तो यहाँ से रिवर्सल लेने की इसकी संभावना है पूरी पूरी, ठीक है। तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म की यहाँ पे एंट्री बना लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा चंक से नहीं बनाती क्योंकि वैसे भी ये स्टॉक मुझे थोड़ा सा ऑपरेटेड लगता है। तो इस स्टॉक में अगर मुझे एंट्री बनानी होती, अगर मेरे पास 100 रुपये होते तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 रुपये से ऊपर की एंट्री कभी भी नहीं बनाती, 5 या 10% से ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की कभी भी एंट्री इस स्टॉक में नहीं बनाती, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।